शिवम जी, आज बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम वी लुकअप का सेकेंड पार्ट में मैच इंडेक्स और वगैरह यूज करते हैं। हमने वी लास्ट क्लास में बात की कि वी लुकअप लगाया, और वी लुकअप में मैंने बताया किस तरह से वी लुकअप लगा सकते हैं कॉलम के साथ, नॉर्मल नंबर के साथ, एरे के साथ और मैच के साथ। तो डेटा मेरे पास जो था वो टॉप टू डाउन था, यहाँ से डेटा मेरा टॉप टू डाउन था तो हम इसका यूज करिए। लेकिन मान लीजिए कि मेरा डेटा टॉप टू डाउन नहीं है, लेफ्ट टू राइट है मतलब। और दूसरा, और मेरा जो हेडिंग है मतलब कि जो नंबर्स है 1 से लेकर 13 तक के जो नंबर्स है, जो आईडी नंबर्स है, वो नंबर्स जो है स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि डेटा के अंदर हमारा स्टार्टिंग में आईडी था तो वी लुकअप लगाया था, बट यहाँ मेरा नंबर स्टार्टिंग में नहीं है, मिडल में दिख रहा है सर। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ आईडी है, आईडी नंबर 104, इसका नेम करना है। अब देखिए आईडी के बाद जो क्वांटिटी एमआरपी, वो तो हम लुकअप कर सकते हैं वी लुकअप से, लेकिन इससे पीछे की वी लुकअप नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं, उसको देखिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इस पे मैच का। यहाँ पे देखिए मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, मैच का फॉर्मूला इस 104 को लुकअप करेगा, इसके अंदर लुकअप करने के बाद रिजल्ट देगा कि 5 नंबर आपको यहाँ पे दे दिया। मतलब 5 क्या दिया, इसने काउंट में बताया कि 1 2 3 4 5, पांचवे नंबर रो पे है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का, इंडेक्स फॉर्मूले हम इसको सिलेक्ट कर लिए डेटा को, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसे बताना होता है कि मुझे पांचवा नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम चाहिए। तो देखिए मोहन आ गया, मतलब कि 104 का जो नेम है मोहन, ये दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये तो मैनुअल है, हमें तो इससे लिंक करना है। तो लिंक क्या करना है, जो 5 है इसी को तो लिंक करना है ना। इस 5 के जगह पे हम मैच का फॉर्मूला लगा देंगे, ताकि जैसे ही नंबर चेंज होगा उसका रो नंबर उसको दे देगा, और रो नंबर चेंज करते ही डेटा दे देगा। देखिए 107 करते हैं तो 107 इंदर आ गया, आ गया, क्योंकि मैच ने 8 नंबर रो दे दिया और इंडेक्स ने यहां 8 नंबर रो का डेटा 2 नंबर कॉलम का उठा लिया। वीलू का भी तो यही करता है ना सर। जी जी सर, समझ में आया आपको। जी जी, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडेक्स में पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स में आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए जी। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑफसेट का, क्या है ऑफसेट, ऑफसेट का फॉर्मूला क्या करता है जानते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना है, और ये आता है कौन से रो, तो हमने बोला 8वां रो एंड दूसरा कॉलम, जैसे कि हमने ऑफसेट में दिया था 8वां रो एंड दूसरा कॉलम, लेकिन गलत है, रिजल्ट गलत आएगा, झिझियन आया, मतलब कि इसने यहाँ पर रिजल्ट दिया, क्योंकि ऑफसेट जो है काउंटिंग करता है 0 से। इसने 8 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो से इसका इंडेक्स का 8 ऑफसेट का 7 हुआ, इंडेक्स का 8 ऑफसेट का 7 हुआ, समझ गए। तो आपको एक कॉम यहां देना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं मैच का फॉर्मूला इसके अंदर अगर हम इनबिल्ड करते हैं तो क्या करना होगा, हमें -1 करना होगा। तो ऑफसेट का बेनिफिट क्या हुआ, कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है, और इंडेक्स में क्या होता है कि आपको पूरा डेटा देना होगा, इंडेक्स काउंट 1 से करता है, ऑफसेट 0 से करता है। ब्रो समझ में आ गया आपको। जी जी सर। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप यूज करेंगे एक्स लुकअप, क्या यूज करेंगे, एक्स लुकअप। एच लुकअप में मैच इंडेक्स ऑफसेट एच लुकअप सबको दिया हुआ है, तो
तो यहाँ पे मैंने लगाया कि लुकअप वैल्यू और बताइए किस कॉलम में लुकअप करना है, तो इस कॉलम में डेटा मैच करना है। रिजल्ट किस कॉलम का देना है, तो सिटी का देना है। अब इसमें अगर एरर आया, मान लीजिए नहीं मैच करता है, तो बाकी तो एरर देगा, इसमें दे सकते हो डेटा नॉट फाउंड, रिजल्ट आ गया बेटा। अब मैं यहाँ पे 113 देता हूँ, रिजल्ट आ गया। 114 देता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आपका ये एरर देगा, बट एक्स लुकअप डेटा नॉट फाउंड दे दिया। समझे? जी जी सर। अब मान लीजिए कि मेरा डेटा वर्टिकली हो गया है, हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली है, तो आपके सामने दिख रहा है, मतलब जो 1 2 3 रो में था, इस तरह से 1 2 3 ऊपर से नीचे की तरफ था, वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया। अब मुझे 10 का कोर्स पता करना है, 10 नंबर आईडी का, तो वी लुकअप तो कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास एच लुकअप का फॉर्मूला है जो कि हम लगाएंगे और इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसमें कॉलम नंबर रो नंबर देंगे 6 एंड कॉमा 0। एंटर प्रेस किए, देखिए वीवी आ गया। अब इसको मैच इंडेक्स से भी कर सकते हैं कि आपने मैच का फॉर्मूला लगाया और आपने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0, ये आपको कॉलम नंबर 11 बता दिया। अब आप सिंपल सा जो है मैच का या इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें रो नंबर फिक्स है 6, कॉलम नंबर 11 हो जाएगा। ऐसे ऑफसेट लगा सकते हैं या यहाँ पे आप एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स लुकअप लिया हमने, इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा, कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। आ गया सर, समझे? जी। तो अब आज आपने सीखा मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। अब तीनों में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मुझे एक एक एग्जांपल बना के दीजिए। कल की क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे की तरफ, हम बात करेंगे वी लुकअप ट्रिक्स के बारे में, ठीक है सर? जी जी सर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा सर, इसे स्लोली सिखा रहा हूँ आपको मैं। जी ठीक है सर, ठीक।